हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट हैवी रेयर अर्थ मेटल क्रिस्टलाइज इनटू हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड शेयर ए कॉमन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट ओनली इन द नंबर ऑफ फोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे हैव दीज केमिकली इनर्ट फोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट अप लोकलाइज मैग्नेटिक मूवमेंट्स विच आर कपल्ड वाया एंड डायरेक्शन एक्सचेंज इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर द पीरियोडिसिटीज ऑफ विच आर ऑब्टेन इन कॉमनस्ट्रेट विथ द अंडरलाइंग क्रिस्टल लैटिस सच इन कॉमनस्ट्रेट ऑर्डरिंग इज एसोसिएटेड विथ ए वेब्ड टोपोलॉजी ऑफ द मोमेंटम स्पेस सरफेस सेपरेटिंग द ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट द शेप ऑफ दिस सरफेस एंड हेंस द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर फॉर द हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट इज नोन टू डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग सी एंड द इंटर एटोमिक इंटरप्लेनर स्पेसिंग ए ऑफ द एच सी पी लैटिस ए थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हाउएवर फार फ्रॉम कंप्लीट हर यूजिंग गैडोलिनियम एज ए प्रोटोटाइप फॉर ऑल द हैवी रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स वी जनरेट ए अनफाइंड मैग्नेटिक फेज डायग्राम विच अनइक्वोकली लिंक द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द हैवी रेयर अर्थ टू दियर लैटिस पैरामीटर्स इन एडिशन टू वेरीफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द C/O रेशियो वी फाइंड दैट द एटोमिक यूनिट सेल वॉल्यूम प्ले ए सेपरेट विच डिस्टिंक्ट रोल इन डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी शो दैट द ट्रेंड्स फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म टू इनकमेंसुरेट ऑर्डरिंग एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज इज कनेक्टेड टू द कॉन्कॉमिनेंट डिक्रीज इन यूनिट सेल वॉल्यूम दिस वॉल्यूम डिक्रीज अकर्स बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन where the addition of electrons to the poor shielding 4f orbital leads to an increase in effective nuclear charge and correspondingly a decrease in ionic radii. Reference: lanthanoid contraction and magnetism in the heavy rare earth elements. अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? रेयर अर्थ एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों? की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लैंथेनॉइड्स और दूसरा है एक्टिनॉइड्स। क्या है बच्चों? दूसरे वाले का नाम क्या है? एक्टिनॉइड्स। तो ये हो गया लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इसमें से जो लैंथेनॉइड जो होते हैं बच्चों इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब लेंथेनॉइड को रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है बच्चों? तो जो लेंथेनॉइड होते हैं बच्चों इनको रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं। क्या हो पाए जाते हैं? ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं और इनके जो कुछ ओर्स होते हैं उनको उनके ओर से भी एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है बच्चों? थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे मेन रीजन कि ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर
rarely found in the earth crust. अर्थ क्रस्ट पे रेयरली पाए जाते हैं. तो हम लोग क्या कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट को, क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं बच्चों. क्लियर है? अब आगे चलते हैं. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी. अब अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड इज. अब रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड इनमें से कौन होगा बच्चों, हमें इसको पहचानना है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड क्या होते हैं. जो लेंथेनॉइड होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो लेंथेनॉइड होते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं? सेरियम से ल्यूटीशियम तक आते हैं, एलयू तक आते हैं बच्चों. एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक. अब इनमें जो हमारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, तो टोटल इनमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 13 एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं. क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं. केवल एक एलिमेंट जो होता है पीएम, यानी बच्चों प्रोमीथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 61. ये एलिमेंट हमारा क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव होता है. क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पीएम रेडियो एक्टिव. बाकी जो एलिमेंट हमारे हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव होंगे. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए. अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अब चलिए जरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझते हैं बच्चों. ठीक है, तो सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझेंगे. तो उससे पहले हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट का. तो एन माइनस टू एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एन माइनस वन डी में 0 से 1 और एन एस टू. ये हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू. अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, साइज जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण. तो अब हमको यही तो समझना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. तो जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, जैसे ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं हम लोग एन माइनस टू में, और यहाँ पे एन माइनस टू में कौन सा ऑर्बिटल है? एफ ऑर्बिटल है. अभी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं जनरली. फिर यहाँ पे एन माइनस वन में, और यहाँ पे एनएस वाला ऑर्बिटल सबसे बाहर रहेगा. जनरली अगर हम किसी लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मान लीजिए हमारे पास पीएम है, एटॉमिक नंबर 61, प्रोमीथियम, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे बच्चों, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे ऐसा हम लोग लिखते हैं बच्चों, एलिमेंट लेते हैं, हालांकि जो प्रोमीथियम है इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ ऐसा होगा 4F5, आउटर मोस्ट सेल का केवल लिखेंगे 6s2. लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर हम गैडोलिनियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 64 होगा बच्चों. गैडोलिनियम लेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा? 64 होगा. तो अब अगर एटॉमिक नंबर 64 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जरा लिखते हैं बच्चों. जीडी होता है रिप्रेजेंटेशन, केवल आउटर वाला लिखेंगे 4f7, 5d1, 6s2. तो अब हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया, यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे S हो गया, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन भी इसी सीक्वेंस में लिखा गया है. गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर 64 होता है. तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं. 4F ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा होता है बच्चों. अब इसका साइज बड़ा होने के कारण इसका शील्डिंग पुअर होगा. शील्डिंग पुअर होने का मतलब ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा. तो ये क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा, खींचने लगेगा. तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के करीब आते हुए शो होंगे. तो इसी जो हमारा यही जो साइज जो डिक्रीज करने का जो सीक्वेंस होता है इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बच्चों. क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं.
तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।